अस्सलाम वालेकुम मोहतरमीन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत से होंगे। दांत के कीड़ों से निजात, मसूड़ों की सूजन, मास्कोरा, पाइवेरिया, खून आना, दांतों का दर्द, दांतों का पीलापन, कमजोर दांतों का आसान घरेलू इलाज, रिजल्ट ऐसा कि 70 साल बूढ़े लोग भी चने चबाना लगे। चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिलकश और हसीन मुस्कुराहट खूबसूरत दांतों की मरहून मन्नत होती है, इसलिए दांतों की सफाई और खूबसूरती का खास ख्याल रखें। दांत इंसान के चेहरे पर नुमाइया हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये बातें करते मुस्कुराते वक्त दूसरों को दिखाई देते हैं, और अगर ये गंदे हों तो इसे देखने वालों को घिन आती है। नेज दांतों की सफाई न करने से मैदे और मसूड़ों की बहुत सी बीमारियां लाख होती हैं, इसलिए गाय बगाए डेंटिस्ट को अपने दांतों को तमाम मसाइल से करते रहें, ताकि मजीद पेचीदगी ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि दांतों की ठीक तरह सफाई ना करने की वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है, तब डॉक्टर के पास जाना और इलाज करवाना जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए आज मैं आपको अंडे के छिलके के जरिए दांतों की हिफाजत करने और दांत के कीड़े से निजात हासिल करने का इंतहाई सस्ता और मुफीद नुस्खा बताऊंगा, जिससे आपको डॉक्टरों की भारी फीस भी नहीं देना पड़ेगी और आपके दांत भी सफेद मोतियों की तरह चमक उठेंगे। नुस्खा यह है, अंडों के छिलके, दो अदद अंडों को उबालकर छिलके उतार लें और छिली दूर करें। नारियल का तेल, दो खाने के चम्मच, बेकिंग सोडा, एक खाने के चम्मच। इस दवा को दांतों मसूड़ों पर मलें। अगर आप चाहें तो एक चम्मच समुद्री नमक और पेपर मिंट के चंद कतरे भी शामिल कर सकते हैं। देगर मंजन दांत के दर्द, तमाम दांत दर्द करते हुए मसूड़ों से खून या पेवार के लिए फटकड़ी, बरियान और रेठे की गुठली की राख हम वजन बारीक पीस कर दांतों मसूड़ों पर मलें। इंशाल्लाह अफाका होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।